और यारो क्या हाल है, इट्स डीसी हियर बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस टाइम इट्स 15560 अहमदाबाद दरभंगा अंटियोरिया एक्सप्रेस। सो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम अगेन बैक विद अनदर वीडियो और आज की भाई अपनी जर्नी जो है वो है अहमदाबाद से दरभंगा अंटियोदया एक्सप्रेस में। सो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अभी हमारी ट्रेन जो है वेब 7 के साथ, इसे ऑफ लिंक मिला है भाई, बहुत तगड़ा वाला हावड़ा वेब 7 है जहाँ तक है, हरदा स्टेशन पे अराइव कर रही है अभी। अपनी ट्रेन अभी इसमें एंट्री कर रही है और ये आप देख सकते हैं राइट साइड में कोई भाई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है, कौन सी लोकोमोटिव के साथ थी, वेफोर के साथ थी शायद। सो देखते हैं यार आज की अपनी जर्नी कैसी रहती है। गाइस ये मेरी अपकमिंग एक्टिविटी है, पब्लिकली रिलीज होगी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उसी दिन या फिर उसके अगले दिन। और अच्छी बात क्या है कि ये कंप्लीट है, इटारसी तक आपको ये ट्रेन चलानी है। हावड़ा वेबसाइट में गया यार, अभी ट्रेन को रोकते हैं। ऐसे यार कमेंट्री करते वक्त ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो ट्रेन को ठीक से। और भाई अपनी अंटियोदया एक्सप्रेस आई है और उधर जो भी ट्रेन खड़ी हुई थी राइट साइड में वो जा चुकी है। सो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अपनी पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीट अब स्टार्ट हो गई है, बिकॉज अपने पैसेंजर्स लोड अनलोड हो रहे हैं। हमारी जो अंटियोदया एक्सप्रेस है वो अब हरदा स्टेशन पर अराइव कर चुकी है। और गाइस बहुत मतलब कड़ाके की ठंड हो रही है, तो भाई लोग मेरे जो वर्ड्स हैं ना वो कहीं कहीं पर थोड़े अजीब हो रहे होंगे, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। और जैसा कि यार अपनी जो हमसफ़र रेक है ना ये ब्रॉडगेज प्रोडक्शन ने बनाई है, मतलब आप देख लो मेरे से प्रोडक्शन भी ठीक से नहीं बोला गया। अरे चलो कोई नहीं यार, हो जाएगा, बोलते जाओ गर्मी पैदा हो जाएगी। सो चलिए गाइस अपना पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीटेड, यू में डिपार्ट नाउ। भाई वेब 7 कौन सा है, हावड़ा ना, हाँ जी हावड़ा, भाई बंगाल का टाइगर है, तो सी रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें ही ट्रेन लेके जानी है। अंटियोदय एक्सप्रेस है, LHB रेक है, 110 पे आराम से जाएगी भाई, 110 किलोमीटर पर आर की गाड़ी है। वैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप EOG के पास में लिखा है 160, 160 पे दौड़ा सकते हैं भाई, गतिमान एक्सप्रेस की बहन लेके चल रहे हैं आप हम लोग। सो भाई वेब 7 अब तू जो है अपनी थ्रॉटल पावर बढ़ा दे, मतलब मैं ही इंक्रीज़ करूँगा, तू तो क्या ही बढ़ाएगा, तुझे तो मैंने ऑटोमेटिक पे लगाया तो तू 30 की जगह 100 पे लेके जाएगा इसे। ऐसे गाइस ऑटो पायलट का होता है, इसको ग्रीन सिग्नल मिला नहीं, ओए होए फिर तो यार ये कैसे बिहेव करता है ना, जैसे इसने वो वाली पिल्स खा ली हो। अब समझ जाओ जोश में आने के लिए कौन सी पिल्स खाई जाती हैं, मैं बोलूँगा नहीं बिकॉज यार बच्चे भी देखते हैं वीडियो। और भाई अगर तुम बच्चे हो तो बिल्कुल मत जाना यहाँ से, चुपचाप यहीं पे बैठे रहो और वीडियो देखते रहो। चलिए गाइस कितनी थ्रॉटल पावर है, 30 यार। यहाँ से अपना ज़रा व्यू देखते हैं, आप अंटियोदय एक्सप्रेस चेकआउट करें। क्या था यार वो, मैंने आधा तो हिंदी बोलने वाला था और आधा इंग्लिश, सामान लगेज, अरे यार बस पता नहीं क्या ही है, छोड़ो उसे। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अपनी जो ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के LHB अंटियोदय एक्सप्रेस है, इसकी जो विंडोज़ है वो वाइड है। अपना गाइस इंडियन रेलवेज में दो टाइप की ये विंडोज़ दी जाती हैं, एक तो नॉर्मल जो कि आपने देखी होगी जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है, और आज के टाइम में ऐसे वाइड विंडो भी मिलती है। अभी यार मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि इसकी प्रोडक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रही है या नॉर्मल वाली की कंटिन्यू हो रही है, दोनों की कंटिन्यू हो रही है यार जहाँ तक है, पता नहीं गाइस। और आगे तो आप जैसे कि देख सकते हो अपनी अंटियोदया, भाई पीछे देखो कितनी खतरनाक लग रही है अपनी गाड़ी जो है। और भाई मेन लाइन का अपना यार ये स्टॉप था तो अच्छी खासी स्पीड में हम जा सकते हैं। और गाइस आज की जो वीडियो है इसमें आपको क्रॉसिंग भाई अच्छी खासी मिलेंगी क्योंकि एक्टिविटी कंप्लीट है, और जब मेरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो उसमें एक्टिविटी आपको भी पता है मिलती है। वैसे यार DC का तेरी तो एक्टिविटी जब कंप्लीट नहीं होती उसमें भी अच्छी खासी ट्रैफिक देखने मिलती है, क्योंकि भाई लोग के लिए सबसे मेन चीज़ मैं क्रॉसिंग ही रखता हूँ। तो देखते हैं गाइस कौन सी क्रॉसिंग होगी, अभी कुछ दूर जाना पड़ेगा। और भाई आगे जैसा कि देख सकते हो ट्रैक मॉनिटर में लेफ्ट हैंड साइड का वो एरो आ चुका है, तो समझ जाओ अपनी अंटियोदय एक्सप्रेस को पिलवाने का आज ठेका ले लिया है अपने ओपन रेल्स ने। तो भाई कोई नहीं, देखा जाएगा क्या होता है, देखते हैं कौन सी ट्रेन अप्रोच कर रही है अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए। हम भी तो देखें कौन आ गया, माइका लाल ऐसी की तैसी। तो
चलिए थोड़ा व्यू चेंज करें क्या? एंड गाइस ये रूट जो है खंडेश रूट है भाई, सबसे बड़ा रूट है MSTS का। यार MSTS का सबसे बड़ा बोलना चाहिए। वैसे गाइस MSTS का तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने सारे MSTS के रूट्स ट्राई आउट नहीं करे हैं। फॉरन के भी यार कितने अच्छे अच्छे रूट्स होते हैं और डेफिनेटली वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं। सो गाइस इंडियन रेलवेज का तो सबसे लॉन्गेस्ट रूट आपको MSTS में जो अभी तक मिलेगा वो ये है भाई, क्योंकि देखो भोपाल से पूरा मुंबई इसमें कवर करा गया है और मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से पुणे भी है, फिर यार पुणे से आगे का भी है, पुणे से क्या था डॉन स्टेशन, और डॉन से मनमद वो भोपाल से मुंबई लाइन पे पड़ता है तो उधर भी जाना पड़ता है। वैसे यार मनमद से साईनगर शिरडी भी है। यार इस रूट की जितनी तारीफ करो ना कम है, अभी इसे रहने ही दो, बिकॉज भोपाल से जो मुंबई की लाइन है उसमें बीच में भी कोई ऐसा स्टेशन है जहाँ से जो है लाइन अहमदाबाद मुंबई लाइन पे जाके जुड़ जाती है। तो ये रूट है भाई कुछ अगर आपको चाहिए, बस एक प्रॉब्लम है। अरे यार इसे प्रॉब्लम क्यों कह रहे हो, बस गाइस एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो रूट है ये फ्रीवेयर नहीं है, पेवेयर है। तो उसे परचेज़ करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा मिस्टर रमेश महाजन जी को। और उन्हें कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया उन्हें रात को कॉल करके प्लीज़ ऐसी वैसी पिक्स ना मांगें, सिर्फ और सिर्फ रूट मांगें। रमेश महाजन जी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू सो मच एंड आई लव योर वर्क, आई जस्ट लव योर रूट। एंड गाइस ये जो ट्रेन आ रही है ये है बांद्रा टर्मिनस SHC। यार ये कहाँ का कोड हुआ, आई थिंक सहरसा, जी हाँ मुंबई से सहरसा जाने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस। अहमदाबाद दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है। कहाँ पर हैंसिया के स्टेशन कौन सा है यार ये भी नहीं पता तुम्हें। गाइस ये स्टेशन है चारखेड़ा। और भाई ये ट्रेन आ गई अपनी, ये आई है WDP 4D, AC के साथ है। एस भाई इस रूट पे तो कोई वो चलती नहीं है यार, अपनी AC एक्सप्रेस की पहली क्रॉसिंग थी, एक इतनी लेट चल रही है गाड़ी। चलो यार ओपन रेल्स भी थोड़ा रियलिस्टिक होने लगा, ट्रेन्स को लेट चलाने लगा। भाई दिल जीत लिया ओपन रेल्स आज तूने, बट यार ये चीज़ अच्छी नहीं करी तूने, इतना टाइम लगा दिया मेरे को क्रॉसिंग दिखाने में। वैसे कैसे अगर ये लेट चल रही है ना तो डेफिनेटली भाई इसके पीछे जो भी ट्रेन्स हैं वो भी अच्छी खासी मतलब हो गया हो उनका काम, पॉश पॉश हो रखा होगा। भाई हॉर्न बजाओ, अपना सिग्नल मिल चुका है, किस बात की देरी है, चलेंगे एक हॉर्न बजा देते हैं काफ़ी है, क्योंकि पैसेंजर तो कोई दिख नहीं रहा, तो वार्निंग किसे देंगे कि भाई अब तेरी ट्रेन चल रही है बैठ जा, क्या तू तो बिस्किट खाने में लगा पड़ा है। बिस्किट भी नहीं समोसे यार, क्या मिलते हैं ऐसे छोटे मोटे स्टेशन पर, क्या क्या मिल जाता है, हाँ मूँगफली सबसे ज़्यादा, पीनट्स। तो भाई तेरे जो पीनट्स हैं वो अंदर आके छीलता रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छूट भी गया तो फिर मैं नहीं बैठाऊँगा, मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। अरे छोड़ो यार पैसेंजर को, अब की क्रॉसिंग पे हम फोकस करते हैं गाइस। और जैसे कि आप सभी देख रहे हो मेन लाइन का सिग्नल फिर से भाई येलो हो चुका है, और ये सिर्फ तभी होता है जब कोई एक्चुअली में ट्रेन अप्रोच कर रही होती है। तो भाई ये जो भी मालगाड़ी है मुझे लग रहा है ये गई आज, इसके भाई लोको पायलट ना अच्छे खासे कंट्रोलर्स को गाली दे रहे होंगे कि मतलब यार मालगाड़ी चला रहे हैं तो मतलब कोई इज्जत ही नहीं दोगे। वैसे गाइस अपना नेक्स्ट स्टॉप है इटारसी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5। यार कितने किलोमीटर है, 61 किलोमीटर। अब गाइस ये कितना भी किलोमीटर हो बट हम चला रहे हैं भाई अंत्योदय एक्सप्रेस। इसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि ये सुपर फास्ट नॉर्मल सुपर फास्ट से भी ओवरटेक खा सकती है, ऐसे मेरे को कंफर्म नहीं है। मुझे प्रीमियम गाड़ियों का तो पता है भाई कि वो पेल के जाती हैं हर एक को, गरीब रथ का पता है वो पिल के जाती है, या फिर स्पेशल हो तो वो पिलेगी, बट भाई अंत्योदय की प्रायोरिटी क्या है मेरे को सीरियसली नहीं पता। सो गाइस अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो भाई प्लीज़ मेरे को बताओ यार कि ये अंत्योदय की प्रायोरिटी कैसी है, ताकि मैं अगले टाइम अगर कोई अंत्योदय एक्सप्रेस चलाऊँ तो उसके बारे में बता सकूँ।
यहाँ भाई इसकी प्रायोरिटीज तो खत्म है, ये तो ओवरटेक होगी अच्छे से। अभी तो गाइस चारखेड़ा स्टेशन को हम अलविदा कहते हैं और यहाँ से चलते हैं। भाई ऑटो पायलट अब तू आ जाए, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा नीड है। मेरी ट्रेन बहुत धीरे चल रही है, मेरी क्रॉसिंग्स को आने में टाइम लग रहा है। क्रॉसिंग्स जो मेरी ट्रैफिक ट्रेन है वो भले ही मेरे तक लेट आए, बट अगर मेरी हिल गई तो मैं उन पर भाई बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ। 110 की लिमिट है, 140 150 दौड़ाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसे कैसे 110 अपना ऑटो पायलट से ले जाएंगे, उसके ऊपर मैन्युअली चला देंगे और क्या है। भाई आगे लगता है क्रॉसिंग हो रही है, थोड़ी सी हॉन्किंग करते हैं और अपने पैसेंजर व्यू में चलते हैं जहाँ से मतलब लगता है गेम कुछ है। तो भाई देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन है यार ये देखते हैं। ये है WDM 3A था यार, गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ है। अभी WDP 4D देखने मिला और अब WDM 3A। वैसे कौन सी शेड थी, शायद वटवा थी यार, पता नहीं बस मे बी वटवा थी, पता नहीं यार, देखते हैं बाद में। आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं, मैं तो यार गेम में पीछे जाऊंगा तो मेरी ट्रेन कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं चलेगा। तो भाई आप बता देना क्या भी। चलो एक काम करते हैं, जिसने मेरे को बताया ये कौन सा लोकोमोटिव था, नेक्स्ट वीडियो में शार्ट आउट टू दैट ब्रदर। वैसे यार शार्ट आउट ना सिर्फ एक पर्सन को नहीं, मेरा तो मन करता है सभी को दूंगा, बिकॉज 3 लाख कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने सीरियसली उसके बारे में अभी ठीक से बात नहीं करी है। 3 लाख सब्सक्राइबर, 3 लैक्स पीपल सपोर्टिंग मी, वाह यार। सीरियसली गाइस जब ये सब बात आती है ना मेरे पास भाई वर्ड्स नहीं होते। तो इस टॉपिक को छोड़ते हैं अभी, बिकॉज इस गेम में इस वीडियो में मेरे को कमेंट्री करनी है। अगर मैं शांत हो गया तो कमेंट्री की वीडियो का कोई वो नहीं होता, मतलब ही नहीं बनता। और भाई मेरे को ऐसा लग रहा है सामने से ट्रेन आ रही है, चलो थोड़ी सी हॉन्किंग करेंगे फिर से और देखते हैं कौन सी आ रही है। आई होप आपको जर्नी में मज़ा आ रहा है। और चलो यार जर्नी में ना थोड़ा और मज़ा दिला देता तुम लोगों को, मुझे करनी है अब ओवर स्पीडिंग। ट्रेन मेरी थोड़ी लेट चली है और ट्रैफिक ट्रेन्स को आने में थोड़ा टाइम लगा है, इसलिए भाई ये क्या था वैगनाइन है बॉक्सन एचएल के साथ। और भाई देख रहे हो बॉक्सन एचएल के रेक जो वैगन है उसका टेक्सचर है, ओए होए देखने में लग रहा है यार कुछ है, मालगाड़ी है। अच्छी खासी डस्ट थी उस पर, कोयले वाली थी यार। और भाई अपना वेब 7 आ गया, इसने खाली वो ही वाली पिल, अब ये नहीं छोड़ेगा, अभी पहले का हर एक को अच्छे से। बस ऐसा ना हो यार उस हमसफर एक्सप्रेस अगर वो ज़्यादा क्लोज आ गई तो अपने को सिग्नल्स जो हैं रेड मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हो 4 किलोमीटर के बाद अपना सिग्नल हो चुका है रेड। व्यू चेंज करते हैं, आगे स्टेशन आ रहा है कोई, डबल यार डबल कह रहा हूँ मतलब लूप लाइन्स भी है, टिमरानी स्टेशन है कोई और किसी ट्रेन को भी ओवरटेक कर रहे हैं हम। भाई एक बार और व्यू चेंज करो, और ये गया भाई अपना शानदार वेब 7। इधर आओ यार, मतलब देख रहे हो क्या गजब लुक लग रहा है, खंदेश रूट है और ये BGP की LHB रेक है अंत्योदय की। इधर ये खड़ी है BTPN मतलब BTFLN है, अरे मतलब उसकी बहन ही है यार। और स्पीड भी अच्छी खासी मेंटेन कर रही है अपनी ट्रेन, और अब गाइस क्रॉसिंग्स भी अच्छी खासी होंगी। स्टार्टिंग में क्रॉसिंग को थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट। ऐसे यार शायद वो इसी वजह से हुआ बिकॉज जो WDP 4D था या तो उस पर अच्छा वाला लोड लगा है या उसमें कोई ऐसा स्टॉक होगा जो कि फ्रेट वैगन में आता होगा। तो ओपन रेल्स क्या करते हैं यार मालगाड़ी की ना स्पीड थोड़ी रिड्यूस कर देता है। और इधर लगता है फिर से कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी आ रही है। हॉन्किंग करेंगे भाई अच्छी वाली, व्यू चेंज कर करके देखेंगे कौन सी है। और ये है भाई, ये क्या था यार, वेब 4 था किसी LHB ट्रेन के साथ। इसमें मुझे ऐसा क्यों लगा इसका UG अवेलेबल नहीं था, ये गाइस मेरे को ही लगा यार, एक्चुअली में यार उसका UG नहीं था आगे वाला। भाई ओपन रेल्स आज कर क्या रहा है मेरे को ये बताओ, बताओ यार उस ट्रेन का UG गायब कर दिया। अब या तो ये मेरे ओपन रेल्स ने ऐसा किया या मेरे से ऐसी गलती हुई है, पता नहीं गाइस बाद में देखेंगे, बट अभी तो जहाँ तक है मुझे ऐसा लगा, आपको भी लगा तो पता नहीं यार।
पर अभी तो यार जो स्पीड मेंटेन कर रहा है ना मेरा वेब सेवन, खतरनाक। आज तो तेरे पे प्यार भी आया, गुस्सा भी आया। गुस्सा इसी वजह से तूने थोड़ी सी लेट करी, प्यार इसी वजह से। क्या बात है यार, स्पीड क्या मेंटेन कर रहा है भाई, इज्जत रख ली भाई की। बस आगे वाला वर्ड नहीं बोल सकता मैं तो भाई। अपना स्पीड तो थोड़ी सी रिड्यूस कर लेते हैं गाइस। ऐसे यार आप सभी देख रहे हो मेरा जो रेड सिग्नल है वो थोड़ा पास आता जा रहा है, और हम सफ़र यार अच्छी खासी अपनी 110 किलोमीटर फॉलो करके जा रही होगी, बिकॉज उसे कंप्यूटर जो है वो कर रहा है ऑपरेट। तो कंप्यूटर तो कोई भाई रूल ब्रेक करेगा नहीं, वो हम इंसान ही हैं जो करते हैं। चलो छोड़ो कोई नहीं यार, ये कोई रूल थोड़े ना कि स्पीड फॉलो करनी है। वैसे गाइस रियल लाइफ में आप ऐसा नहीं कर सकते, जितनी स्पीड लिमिट है उसी स्पीड लिमिट में जाना होता है। अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो भाई आपकी जॉब भी ना उसी स्पीड से जाएगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। वैसे यार कोई लोको पायलट मेरी वीडियो देखता होगा, पता नहीं गाइस, अगर आपको तो बताना यार। एंड जैसे कि आप सभी तो देख सकते हैं क्या शानदार सीनरी है यार रूट की, अभी मतलब दूर दूर तक वेजिटेशन का है अच्छा खासा व्यू। और अपनी ट्रेन 130 से अपव जा रही है, 130 से नीचे नहीं चली है अभी तक, मतलब जब से मैंने ओवर स्पीडिंग करी है। आगे से कोई ट्रेन भी आ रही है देखते हैं भाई कौन सी है। ये गया अपना हावड़ा का वेब सेवन, और ये आई मालगाड़ी है यार, BCNA विद WDG 4। बस मुझे यार ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ना ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, और थोड़े से ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। और ये कौन सी लोकेशन है, ये है चितगांव। चलो जो भी गांव है भाई क्रॉस कर दिया हमने, और अच्छी वाली स्पीड में करा है। वैसे गैस अब एक चीज़ है कि जो भी ट्रेन हमारे पीछे चल रही थी ना वो अच्छी खासी भाई अप्रोच करके आ रही होगी 110 की लिमिट जो है फॉलो करते हुए। और आप देख रहे हो 3 किलोमीटर के बाद फिर से भाई लूप लाइन है, गई यार अंत्योदय हमारी, फिर से ओवरटेक हो जाएगी। चलो कोई नहीं, इस बार एटलीस्ट क्रॉसिंग अच्छी वाली देखने मिली। अपनी जर्नी यहाँ तक तो खतरनाक रही यार, बताओ ओवर स्पीडिंग करके कैसा लगा इतने टाइम बाद, वो भी अपने DC भाई के साथ। भाई वेब सेवन अच्छी खासी स्पीड में तो भाई तू जा रहा है, बस आगे जाके ना टाइम पे ब्रेक भी लगाना है, ये ध्यान में रखना। अगर कुछ हुआ तो ये भी अपने नोटिस मतलब कर लेना कि मैं नहीं हूँ, मैं इस ट्रेन को ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, ये तू कर रहा है। ऐसे कैसे ऑटो पायलट नहीं है, मैनुअल है यार, अपने कोई ब्रेक लगाना पड़ेगा टाइम पर। देखते हैं यार 40 की स्पीड मेंटेन करके ट्रैक चेंज कर देंगे, कौन सा ये उड़ाएगा ओपन रेल्स। ओपन रेल्स है तो भाई डीरेलमेंट तो भूल ही जाओ, डीरेलमेंट का अभी फीचर कोई नहीं आया है, और ना ही आए तो बेटर है, वरना डेफिनेटली भाई फ्लड होने वाला है यूट्यूब में वीडियोस का डीरेलमेंट की इन ओपन रेल्स। पता नहीं पॉसिबल होगा या नहीं, देखते हैं फ्यूचर में होगा या नहीं। वैसे गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इन कोचेस की, इसमें भाई एक चीज़ ना बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा औसम लगी मुझे, और वो था जैसे कि आप रियल लाइफ में जानते होंगे ICF ट्रेन्स में जो है जर कितना महसूस नहीं होता है, बट LHB में जैसे आप ट्रैवल करोगे रियल लाइफ में तो ट्रेन जो है जर्क करती है, और वो इस वजह से होता है बिकॉज उसमें CBC कपलिंग होती है। आज के टाइम की जितनी भी LHB ट्रेन्स अभी बन रही हैं उनके जो वैगन्स होते हैं उनकी CBC भाई कपलिंग इतना जर्क नहीं करती, वो थोड़ा मतलब क्या कहते हैं यार उस वर्ड को, ये प्रॉब्लम है गाइस। कभी कभी ना मेरे को वर्ड याद नहीं आता, मतलब ऐसा समझ जाओ कि भाई आज के टाइम की जो जर्क होती है वो इतनी महसूस नहीं होती, वो सही होती है, बट जो पहले के टाइम की जो LHB ट्रेन्स में आप ट्रैवल करते थे अच्छा खासा भाई जर्क लगता था, वही चीज़ आपको इस गेम में देखने मिलेगी। जब आप अपनी LHB रेक को पुल करोगे तो अच्छी खासी थोड़ी बहुत आगे की रेक तो लोकोमोटिव पुल कर लेगा, बट पीछे की रेक जब तक पुल नहीं होगी जब तक पूरी ट्रेन पे लोकोमोटिव अपना प्रेशर नहीं लगा देगा खींचने वाला भाई। अब पता नहीं यार यहाँ पे मैं सही हो रहा हूँ या नहीं, बट समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपनी ट्रेन को अभी लूप लाइन में लेके जाना है,
और पता नहीं यार नाम क्या है इस स्टेशन का, देखते हैं आगे आ रहा है बोर्ड, पढ़ते हैं भाई क्या है। पगड़ल है आई थिंक, पगड़ाल है, हाँ यार पगड़ाल है। खतरनाक यार नाम दे रहे हो भाई का, कितना औसम है। सो गाइस इन कोचेस में जर्क अच्छा खासा महसूस होता है, ये मैं आपको अब दिखाऊंगा जब इस स्टेशन से हम डिपार्ट करेंगे। और भाई मेन लाइन का सिग्नल कर दिया ग्रीन ओपन रेल्स ने, मैं कह ही रहा था भाई पीछे वाली जो भी ट्रेन होगी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके आ रही होगी, मेरे को पहले ही पता था क्योंकि भाई 130 की स्पीड मेंटेन करके लेके आया हूँ अंत्योदय एक्सप्रेस को। भाई थोड़ी सी ब्रेक लगा ले यार, ब्रेक बस सिग्नल ब्रेक नहीं करना। वेब 7 तो मज़े में तो आ जाता है बट यार डर लगता है कभी कभी तेरे से कि अगर तूने सिग्नल ब्रेक कर दिया तो तू आधी घंटे की मेहनत पर पानी फेर देगा। रुक जा भाई क्रॉस नहीं करना, ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। तो चलिए अभी करेंगे ब्रेक्स को इनिशियलाइज, वेट करेंगे अपनी ट्रेन का जो भी पीछे आ रही है, देखते हैं कौन सी है, किसको ऑर्डर मिले हैं भाई हमारी पेलने के लिए, मतलब अंत्योदय एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए। भाई ब्रेक्स रिलीज मत कर, ट्रेन आगे जा रही है देख, ग्रेडियंट पे है और सिग्नल का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। इस लक्ष्मण रेखा को तुम क्रॉस नहीं कर सकते हावड़ा वेब 7, यहीं पर रुके रहो वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी तुमको डिलीट कर दूंगा अपने कंप्यूटर से। हाँ ये इसके लिए खौफ है भाई, डर है। और ये आप देख सकते हो BTPN फ्रेट ट्रेन खड़ी है लूप लाइन में पगड़ाल के। यार ये स्टेशन का नाम थोड़ा ऑड नहीं लगा, चलिए जो भी है देखते हैं। अभी तो भाई उधर से आप देख सकते हो कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है अपोजिट साइड की ट्रैक पर, देखते हैं कौन सी आ रही है, अपनी भी ओवरटेक करने के लिए आ रही है। और इधर जो भी है भाई अपोजिट ट्रैक पर ये ट्रेन है BTPN जो खड़ी है, ये भी अपना ओवरटेकिंग का मजे लूट रही है। वो आप देख सकते हो कैबूज में वो गार्ड साहब खड़े हुए हैं अपना झंडा लेकर, मतलब झंडा लेकर ग्रीन फ्लैग लेकर खड़े हुए हैं। भाई ये कौन सी ट्रेन आई थी, WTM 3 के साथ यार एक्सप्रेस है ये कोई, भाई दो लोकोमोटिव लेके जा रही है, यहाँ अपने लिए एक ही काफ़ी है यार। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो पीछे से ट्रेन भी आ रही है, और जहाँ तक ये जो ट्रेन है ये है गाइस कोलकाता मेल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कोलकाता मेल अप्रोच कर रही है, अप्रोच क्या यार ओवरटेक कर रही है WEB 4 के साथ है। चलो अच्छा इसका EOG नहीं उड़ाया भाई ओपन रेल्स ने, गाइस वो सीन डेफिनेटली मेरे से ही हुआ है यार, मैं EOG लगाना भूल गया हूँ इस ट्रेन का। कोई नहीं एक ही तो EOG चाहिए होता है ऑन, कौन सा दोनों ऑन होते हैं वैसे, गाइस कुछ ट्रेन्स में दोनों ऑन होते हैं क्या, कंफर्म करो यार ये चीज़ भी, आपके DC भाई को ना थोड़ी नॉलेज इंक्रीज करनी है अबाउट इंडियन रेलवेज़। इस गेम की तो भाई अच्छी खासी नॉलेज है अपने को, इंडियन रेलवेज़ की भी है बट इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। भाई देखो ये ट्रेन चलेगी जब तुम सिग्नल दोगे मेरे को, माना कि थोड़ी लॉ, भाई ये लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई जज नहीं बैठा, यहाँ पे कोई तुम्हारा वकील नहीं है, ये है लॉ। कोई नहीं गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था स्टार्टिंग में ही, भाई थोड़ी इसकी ऐसी की तैसी कर दिया ये लॉ ओपन रेल्स में, यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो भाई मतलब तू मेरी ट्रेन की लेता जाएगा। सो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मेन लाइन का सिग्नल इसने कर दिया येलो, लो हो गया काम वही तो। सो गाइस फिर से कोई ट्रेन आ रही है पीछे से, पता नहीं कौन सी होगी यार, देखते हैं अप्रोच करेगी पेलेगी इसको, अपोजिट साइड की ट्रैक का भी जो है सिग्नल अप्रोच हो गया। चल यार BTPN तेरे दर्द को तो मेरी ट्रेन ही समझ सकती है, तो कब से खड़ी होगी ओवरटेक हो रही होगी, मैं तो चल छोड़ अभी आई हूँ गाइस, ये आई हूँ मेरी ट्रेन ने बोला, मैंने नहीं बोला है, मेरा जेंडर भाई तुम लोगों को पता है। बाय द वे यार हम कहाँ थे यार, ये सिग्नल के उसने मेरे को बुला दिया, मैं कहाँ पर था, मैं क्या बात कर रहा था, ठंड में ये भी नहीं याद रहता यार कि तुमने 1 मिनट पहले क्या बोला था, ऐसे यहाँ यहाँ पे 1 घंटे पहले क्या खाया था वो याद नहीं रहता। भाई जो भी ट्रेन है जल्दी आ जाओ यार, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस को जाना है, आगे जाना है इटारसी जंक्शन पर।
जल्दी आओ यार। सो गाइस, सीन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि भाई अपोजिट साइड की तो ट्रेन यहाँ पे अप्रोच कर चुकी है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया यार वेट करते हुए। जो अपनी मेन लाइन थी उसका जो सिग्नल है अप्रोच से ग्रीन हो चुका है। भाई ये पीछे जो भी ट्रेन है इसके लोको पायलट कौन सी स्पीड में लेकर आ रहे हैं जिसके लिए मेरे को यहाँ पे लूप करवाया गया है, ज़रा बताना। 21 मोहरत का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। चलो आ गई यार, लग रहा है दूर से वो पता चल रहा है कुछ काला काला। आई एम नॉट बींग रेसिस्ट गाइस, बट वो एक्चुअली में ब्लैक हो रखा है वहाँ पर, तो मैं उसे ब्लू नहीं बोल सकता हूँ। प्लीज़ आई एम नॉट अ रेसिस्ट, गाली मत दो यार। देखते हैं कौन सी ट्रेन है भाई। ये कौन सा है लोको यार, डीजल लग रहा है। डीजल है भाई, सिलीगुड़ी शेड का WDP 4 है भाई, बाज आ रहा है। किसके साथ है ये? अच्छा दुरंतो एक्सप्रेस। यार दुरंतो एक्सप्रेस को तुम कौन सी स्पीड में चला रहे हो जाना, मेरे को भी तो बताओ। एक काम करो, यहाँ पे ट्रेन रोको, मुझे चढ़ा दो उसके अंदर। बाज को जिस स्पीड में इसे लेके जाने चाहिए ना भाई, 130 पे अगर इस ट्रेन को चलाओगे। और WDP 4 तुम्हें मिला हुआ है, सिंगल कैब EMD है, इसकी LHF हॉकिंग तुमको पता है कैसी होती है? तुम एक बार सुन के देखो ना, तुम्हें ऑर्गेजम आ गया नाम बदल देना यार, तुम बार बार भूल जाते हो, बच्चे भी देख रहे हैं वीडियो, चुपचाप रहो। सो गाइस रिमेंबर, जो अभी वर्ड आया था वो कुछ नहीं होता है। ऑर्गेजम मीन्स इस वर्ल्ड से बाहर, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड लगेगी आपको वो फीलिंग, जो LHF हॉकिंग आप सुनोगे उसके बाद की जो भी फीलिंग होगी। भाई अब मेरे को सिग्नल मिलेगा यार? यहाँ पे ट्रैक चेंज तो ओपन रेल्स ने कर दिया, देखते हैं अब क्या सीन है। इसकी मेन लाइन का सिग्नल देखते हैं भाई क्या होता है तब तक। हावड़ा वेब 7, तू अपना हॉर्न बजा दे भाई, क्योंकि अब तेरे जाने का टाइम आ चुका है। मैं तेरे को और ज़्यादा यहाँ पर बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। बस यार अब इतना भी खुशी मत हो कि तेरे को ट्रैक दे दिया, ट्रैक ही मिला है, सिग्नल नहीं। सो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई अपने को सिग्नल मिल चुका है। एक हॉर्न मैंने ऑलरेडी बजा दिया इनकी ऐसे कि तैसी, दूसरा मैं घंटा नहीं बजाऊंगा अब। मतलब ये दूसरा ही था अपना, तीसरा नहीं बजेगा भाई। वेब 7 तो खुश हो जा, निकल ले, तेरे को यहाँ से जाने का इसने दे तो दिया एटलीस्ट परमिशन ओपन रेल्स ने, वरना पता चलता यहीं पर तेरे को पिल देता ये अच्छे से। निकल भाई जल्दी लेके निकल आंटी उदय को, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। और आपका वेब 7 3031 थोड़ा दस्ती हो रखा है। चलो यही तो वेब 7 की निशानी होती है अच्छी वाली, कि भाई 130 पे जाता है लोग को। बट वो भी गाइस कहाँ पर? नई दिल्ली से हावड़ा के सेक्शन में। यार 30% की थ्रॉटल पावर नहीं तो 35 ले ले, बस इस ट्रेन को अच्छी सी स्पीड में लेके जाए यहाँ से। गाइस 8RC जंक्शन तक अपनी जर्नी जो है नहीं रह सकती, जहाँ तक भी मैं कवर कर सकता हूँ सिर्फ वहीं तक करूँगा। अभी यार एटलीस्ट 8-10 मिनट और खेलेंगे अपनी एक्टिविटी को, पूरी कंप्लीट है यार, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी खासी जर्नी अपनी चल रही है। ओवरटेक देख रहे हो, 3 हो गए आंटी उदय की, बेल दिया भाई ओपन रेस ने अच्छे से इसको आज। और क्रॉसिंग भी गाइस अच्छी खासी मिल ही रही है अभी तक। ये बेचारी यार BTPN का पता नहीं क्या ही हो रहा है। भैंस क्या, किसका तो सिग्नल गया भाई? इसका सिग्नल फेल कर दिए हो या इसका लोकोमोटिव फेल कर दिए हो? इसको नहीं मिलेगा लगता है आज सिग्नल। बाय बाय BTPN ट्रेन, तुम्हें पता नहीं कब मिलेगा। मे गॉड बी विद यू, अभी तो वो मेरे साथ है तो मेरे को मिल गया। देखते हैं यार क्रॉसिंग, वैसे गाइस सिग्नल तो ग्रीन है, जो भी यार देखते हैं कौन सी आ रही है। ऑटो पायलट पे लगाते हैं, लेके जाएगा वो ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में, तो पता चलेगा भाई जल्दी से कौन सी ट्रेन है। तो चलिए ऑटो पायलट को ट्रेन दे दी है कितनी भाई, ये यार आगे रेड येलो वाला सिग्नल भी है तो ये थोड़ी ब्रेकिंग भी कर सकता है ऑटो पायलट, इसलिए जैसे ही ये 100 की स्पीड मेंटेन कर लेता है तब भाई मैन्युअली करके अपने आप कंट्रोल करेंगे ट्रेन को। और अभी तो गाइस चलते हैं अपने पैसेंजर व्यू में। तो चलिए गाइस अब जो है ट्रेन हम कंट्रोल करेंगे। भाई स्पीड कितनी दे सकते हैं? स्पीड नहीं मतलब थ्रॉटल पावर, बिकॉज यार अपनी जो भी वो ट्रेन थी दुरंतो एक्सप्रेस गाइस, वो थोड़ी स्पीड मेंटेन करके जा रही है यार। WDP 4 बाज जो है वो पता नहीं यार कितनी स्पीड मेंटेन कर रहा है, डेफिनेटली 90 या 100 है, 90 या 100 पता नहीं यार, देखते हैं। अभी तो आगे से अपनी क्रॉसिंग हो रही है तो हम करते हैं थोड़ा।
भाई वेब सेवन चले जाओ, थोड़े रेड सिग्नल 3 किलोमीटर दूर है, 110 से ऊपर चला जाओ। ये आप देख सकते हैं वैम 4 था गए, पता नहीं यार लग तो वैम 4 ही रहा था, वैम सीरीज थी शायद का, इस किसी LHB5 एक्सप्रेस ट्रेन के साथ है भाई, दौड़ाता हुआ लेके जा रहा है ट्रेन को। और यार वैम लोकोमोटिव है तो फिर भी वो जिस स्पीड पे गया है काफ़ी है। इस गेम की गाइस एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि इंडियन रेलवे में भाई रियल लाइफ में जो आपको लोकोमोटिव कभी देखने नहीं मिले होते वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एज आप सभी को पता ही होगा वैम सीरीज़ के जो लोकोमोटिव हैं सबके सब भाई स्क्रैप हो चुके हैं, सबके सब तो नहीं, पता नहीं यार एक दो तो बाकी होंगे, मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यस वैम सीरीज़ के लोकोमोटिव बहुत सारे स्क्रैप हो चुके हैं, वो अब भाई सर्विस में नहीं रहे। अब वो क्यों नहीं रहे भाई मेरे से मत पूछना इस बारे में प्लीज़, अपने को अभी ये नहीं पता चला मैं बात किस बारे में कर रहा था यार। वो जो भी सिग्नल था येलो हुआ सडनली तो मेरी हिल गई भाई, ये दूसरा ओवरटेक लगा दिया ओपन रेस ने, दूसरा नहीं यार तीसरा, वो भी एक ही एक्टिविटी में, एक ही वीडियो में, एक ही जर्नी में। थामो भाई थामो, थोड़ा सा हल्के टेक इट ईजी ब्रो। सो गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपनी भाई जर्नी आ चुकी है वापस 120 की, गजब मज़ा आ रहा है हावड़ा वेब सेवन ऐसी स्पीड में जाओ। तुमको ना मैंने अवार्ड दिलवा दिया बट किससे, चल यार तो मेरा भाई है तेरे को मैं ही अवार्ड दे दूंगा। अरे यार एक चीज़ तो भूल ही गए, जर्क का कैसे पता चलेगा, चलो कोई नहीं। अब गाइस अगली वीडियो में देखते हैं यार, कोई मैं LHB5 ट्रेन चलाऊंगा एक्सप्रेस या सुपर फास्ट या राजधानी हो सकती यार, भैंस क्या नेक्स्ट टाइम राजधानी चलाएंगे। वैसे गाइस अभी तक यार AC एक्सप्रेस में हमने काफ़ी ट्रैवल कर लिया, मैं आपको बाय द वे इसका पैसेंजर व्यू दिखाता हूँ, भाई अंदर जा सकते हैं क्या, ये तो डोर वाला व्यू है भाई, आगे रेड सिग्नल आ रहा है, अभी तुम डोर को छोड़ो अभी तुम अपने सिग्नल पर फोकस कर लो, चलो वो क्या अभी हम अंदर जा सकते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ कोच के और व्यू दिखाता हूँ अंत्योदय एक्सप्रेस का आपको कैसे मिलता है। तो भाई ये रहा आपका थोड़ा व्यू, ये आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है, वाइड विंडो कोच का ऐसा व्यू आपको देखने मिलेगा, ऊपर फैंस है लाइट्स है और इधर भाई ये सॉकेट वगैरह फ़ोन चार्जिंग में लगा सकते हैं। फ़ोन कितना चार्ज है भाई पता नहीं, मम्मी की कॉल तो नहीं आई, नहीं साइलेंट है, छोड़ दो गेम की वीडियो बना रहे हो भाई, अभी तुम ट्रेन पर फोकस कर लो। डोर तो भाई लॉक है, डोर की टेंशन नहीं है। एंड गाइस आप ये सॉकेट को ऑन करके ये फ़ैन ऑन नहीं कर सकते हैं बिकॉज बहुत ठंड है, इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, वो एक्चुअली में गाइस ऑपरेटेबल नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ सीन आपको देखने मिलता है यार, हम आ सकते हैं एक प्रोफेशनल व्लॉगर की तरह ट्रेन के वॉशरूम में नहीं गए, तो चलो इसके में चलते हैं देखते हैं क्या भाई ये ग्रे क्यों रखा है यार, लगता है यहाँ के टेक्सचर्स अभी अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम में जाएंगे तो अवेलेबल होंगे क्या, देखते हैं क्या है। नहीं भाई यहाँ भी ग्रे हो रखा है सब कुछ, ओह शिट चलो कुछ नहीं है भाई बच गए। ये तो भाई इंडियन स्टाइल है, वेस्टर्न दिखाओ वेस्टर्न कैसा बनाया है, वेस्टर्न है क्या, क्या बात है यार अंत्योदय एक्सप्रेस में तुम्हें वेस्टर्न टॉयलेट मिल गया और क्या जी, इंडियन रेलवे कितना वो कर रहे हैं प्रोग्रेस, बट भाई सब कुछ ग्रे हो रखा है, अच्छी बात है यार पीला नहीं हो रखा, निकलो यहाँ से। सो गाइस अब चलते हैं बाहर अपने डोर व्यू पर जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, खतरनाक भाई हावड़ा वेब सेवन अच्छी खासी तूने स्पीड मेंटेन करी, मज़ा आ गया तेरे साथ यार ट्रैवल करके। अभी थोड़े से एंगल और चेंज करते अपने ताकि तेरे को अलग अलग एंगल से मैं देख पाऊँ, और सिर्फ मैं ही नहीं मेरे भाई लोग जो देख रहे हैं वो मेन है। यार आगे कोई स्टेशन आ रहा है क्या, वैसे कैसे स्टेशन आ रहा हो या नहीं, हाँ यार स्टेशन आ चुका है, इधर तो इधर का लगा लेते हैं यार, इधर से क्रॉसिंग भी पता चलती रहेगी ना कोई आ रही है या नहीं ट्रेन। गाइस पानापुरा स्टेशन है मेन लाइन का भाई, थोड़ी भाई ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगा दे, एमरजेंसी लगा दे, मुझे डर लग रहा है, चलिए गाइस बच गए अपना जो सिग्नल है अप्रोच हो गया। अरे यार 90 की स्पीड मेंटेन हो गई, कोई नहीं थोड़ी गाइस अब हल्के चलते हैं, वो सीन यहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका है मैं बहुत ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ और दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो अपनी औकात पे नहीं चल रही है, जिस उस पर
चलना चाहिए उसे स्पीड पर, वो उस पर नहीं चल रही है बाइक। अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार, तुम्हारा भाई नहीं चला रहा, उसको कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, वो जैसे लेके जाना चाहेगा वैसे लेके जा रहा है। और भाई ये जो भी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है लूप लाइन में, ये भी ओवरटेक हो रही है तुम्हारी, ऐसी की तैसी ओपन रेस तो भाई आज लेके रहेगा हर एक ट्रेन की। कह रहा भाई तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच के दिखा दो, आज तो ओवरटेक कराऊंगा, मालगाड़ी हो राजधानी क्यों ना हो। वैसे तो गाइस इस रूट पर राजधानी चलती नहीं है भाई, राजधानी चलती फिर से ब्रेक लगाओ यार, ये मेरे को हार्ट अटैक देना सीरियसली। चलिए गाइस पैसेंजर व्यू में चलते हैं, मतलब डोर व्यू पर, पैसेंजर तो अंदर का हो गया, ये भी पैसेंजर व्यू ही है यार एक तरह से, हम ट्रैवल कर रहे हैं डोर पर आकर। और अभी यार क्रॉल करना पड़ेगा गाइस थोड़ा सा, कोई नहीं यार क्रॉल कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा। डायलॉग बाय द ग्रेट उदय शेट्टी, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, भाई कंट्रोल ही कर रहे हैं। ट्रेन आ जाए यार जल्दी से, अपने को क्रॉसिंग देखनी है। डेफिनेटली यार फिर से मालगाड़ी आ रही होगी, लास्ट टाइम कौन सी गई थी गाइस पता नहीं यार, जस्ट होप तब ना गई हो जब हम अपने कोच के अंदर थे, मतलब पैसेंजर व्यू जब था। सो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अपनी ट्रेन भाई इतनी कम स्पीड फॉलो कर रही है, तब भी यार ओपन रेल्स कह रहा है भाई तू जा कैसे रहा था उस स्पीड पर, मेरे को इतना बता दे, अब मैं तेरी ट्रेन को नहीं जाने दूंगा अच्छी स्पीड पर। चलिए कोई नहीं, 30% की थ्रॉटल पावर रहने देते हैं, देखते हैं ये स्पीड मेंटेन करेगा या नहीं। ऐसे गाइस कर तो रहा है। अच्छा चलती ट्रेन में एक चीज़ दिखाऊं तुमको, ये देखो मैजिक एंटोग्राफी लोअर कर दिया यार, यही तो चीज़ मज़ेदार है इस गेम में, इसी में तो मज़ा आता है। ट्रेन को जाने दो भाई, ऐसी चीज़ तुमने कभी देखी है? ये देखो बिना पेंटोग्राफी ट्रेन जा रही है भैंस की आँख में, जाओ जाओ जाओ। वो जो लोगो पायलट आ रहा होगा उस ट्रेन में डराओ उसको जरा, भाई की फट के चार हो जा रही है अगर उसने देख लिया ट्रेन को वो ऐसे लेके जा रहा है, वो चिल्ला के बोलेगा बस, पता नहीं क्या बोलेगा मेरे को नहीं पता। ट्रेन को ऐसे भी जाने दो, वैसे गाइस अपना जो है सिग्नल है रेड है तो मजे करते हुए जाते हैं यार, कौन सा कि अपनी ट्रेन रुक जाएगी। 60 की स्पीड मेंटेन कर दी, और ये भाई WDG 4D है BTPN के साथ, चलो सही है किसी के साथ तो आया है। डेफिनेटली इसके पीछे भाई अच्छा खासा वो लगा होगा ट्रैफिक, तो Web 7 भाई थोड़ी सी स्पीड दे दूँ क्या तेरे को? अच्छा बच्चा अच्छी स्पीड में जाएगा, वैसे यार तू क्या अच्छी स्पीड में जाएगा, तेरे को सिग्नल ही नहीं मिले। चल तेरा फ्रंट पेंटो ऑन कर देते हैं, खतरनाक यार, भाई लोग कहेंगे आज की वीडियो में मज़ा आ गया, आई होप आ रहा होगा। इस यार बिना पेंटो ऑन किए मैं आपको ट्रेन चलते हुए दिखा रहा हूँ, ये एक्सीडेंट तो नहीं है ना? नहीं यार एक्सीडेंट तो नहीं है, ये तो हमने खुद किया है भाई, एक्सीडेंट तो वैसे होता है ना। अच्छा चलो छोड़ो उसकी बात नहीं करते हैं। वैसे गाइस एक चीज़ और देखते हैं, ये आप देख रहे हो दोनों पेंटो भाई मैंने ऊपर कर दिए हैं। अब आप मेरे को ये चीज़ बताना कि अगर हम इंडियन रेलवेज में रियल लाइफ में Web 7 हमारा चल रहा है और दोनों पेंटोग्राफ को ऊपर कर देते हैं तो Web 7 को क्या होगा? ये भाई चलो तुमको होमवर्क दे रहा हूँ या अपने भाई की रिक्वेस्ट समझ लो, बता दो कि क्या हो जाएगा। भाई जिसने बता दिया ना उसने दिल जीत लिया, मतलब मेरा मतलब दिल नहीं यार, दिल ऑलरेडी किसी ने जीत लिया। चलो इसकी बात अभी नहीं करेंगे, मतलब उस भाई भाई को कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे को नहीं पता Web 7 का क्या होगा। भाई पेंटोग्राफ डाउन कर लिया थोड़ा सा ना, तो ऑड लग रहा है Web 7, देखते हैं गाइस अब थोड़ी सी यार क्रॉसिंग देखने मिल रही है क्या। हाँ यार ट्रेन तो आ रही है, Web 7 भाई थोड़ी स्पीड में जाना ज़रा, देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है गाइस। अपने डोर व्यू पे चलते हैं और थोड़ी सी हॉन्किंग भी करते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया। कौन सी ट्रेन आ रही है? मूव बिच गेट आउट ऑफ द वे, वाओ कौन सी ट्रेन है ज़रा हमें बताना ज़रा, तुम ऐसे जा रही हो। आपने वो सॉन्ग सुना होगा मूव बिच गेट आउट ऑफ द वे बाय ल्यूडिक्रिस, ये भाई वही है, पाइथन है क्या? लग वही रही है भाई, होए होए है फिर भाई इसके लिए तो ये सॉन्ग डन है, ये फिक्स है इस पर। ये एक्चुअली में गाइस पाइथन ट्रेन जो इंडियन रेलवेज में चलती हैं ऐसे ही चलती हैं भाई, जब ये आती हैं तो सामने ऐसी की तैसी राजधानी हो कोई परवाह नहीं है भाई, लूप में जाएगी
पाइथन को प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट पे मिलती है जहाँ तक है। और अगर गाइस यहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं। यार वो सॉन्ग ना इसके लिए भी एक तरह से बना है, क्योंकि जब ये जाती है तो यही होता है, सब भाई लूप में जाओ, ये पहले निकलेगी। आई गेस आपको मैंने बताया था मुरादाबाद स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे जोन में जो आता है वहाँ पर एक पाइथन फ्रेट ट्रेन आई थी और उसे 5 मिनट के अंदर जहाँ तक है निकाल दिया गया था। मालगाड़ी को पहली बार भाई मुरादाबाद स्टेशन पर मैंने 5 मिनट के अंदर निकलते हुए देखा है, वरना आधे घंटे से पहले वो वहाँ से हिलती नहीं है। तो चलिए गाइस यार आज की जर्नी अपनी थोड़ी लॉन्ग नहीं होगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं इस एक्टिविटी का इतना ही पार्ट कवर कर सकता था। सो नाउ यू ऑल कैन लाइक द वीडियो, भाई की वीडियो लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आ गई हो तो। इसके रिगार्डिंग कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे। अगर पॉसिबल हुआ तो गाइस मैं डेफिनेटली बनाऊंगा और ट्राई करता हूँ यार कि 3-4 दिन के अंदर वीडियोस अपलोड करता रहूँ, बिकॉज नया साल भी शुरू होने वाला है। तो इस साल की जो हम एंडिंग वीडियोस रखेंगे थोड़ी धमाकेदार रखते हैं नॉन स्टॉप, ताकि आपको भी अच्छा लगे। जैसे आप सभी ने मेरे को पिछले साल 1 साल सब्सक्राइबर काउंट क्रॉस करवाया था और इस साल 2 लाख आपने बढ़वा दिए। आई लव यू ऑल सो मच गाइस, सीरियसली। सो गाइस अब मैं मिलता हूँ भाई आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय ऑल, आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ।